जैसा प्रभु जी ने बताया कि गोवर्धन पूजा के कई कारण हैं, तो उसमें एक कारण ये भी है कि इंद्र का गर्भ बढ़ रहा है। तो श्री कृष्ण तो ब्रज में हैं और देख रहे हैं कि गोवर्धन इंद्र पूजा की तैयारी हो रही है, लेकिन वो तो अंतर्यामी हैं, देख रहे हैं कि स्वर्ग में इंद्र का जो है गर्भ बढ़ रहा है कि मेरी पूजा हो रही है, मेरी पूजा हो रही है। तो कृष्ण जो है कृष्ण जो है इंद्र के गर्भ को चूर्ण करने के लिए ये जो है इंद्र की पूजा बंद करवा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नंद महाराज की पूजा, ब्रजवासियों की पूजा है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा की निंदा जो करते हैं इसलिए करते हैं, 7:20 में भगवान कहते हैं गीता के कि कामस्थान कि भौतिक कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो गया है। तो ब्रजवासियों के अंदर तो कोई भौतिक कामना है ही नहीं, तो अगर वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कोई दोष नहीं है, उनकी पूजा में कोई बंधन नहीं है। और गीता 17:11 में भगवान कहते हैं कि अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो जीते, कोई यज्ञ जो है अगर जो है बिना फल की आकांक्षा के किया जाए और विधि के अनुसार किया जाए, यष्टव्य में व्यक्ति मन समाधाय, और करना चाहिए इस प्रकार मन को समाधान करके, यष्टव्य व्यक्ति मन समाधाय से सात्विक का, तो सात्विक यज्ञ है। तो ये जो ब्रजवासी कर रहे हैं वो तो सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, और सत्वगुण से तो जो है ऊंची गति प्राप्त होती है, तो शुद्धि प्राप्त होती है, निर्मलता प्राप्त होती है। तो ब्रजवासियों की पूजा में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वास्तव में जो दिक्कत है वो ये है कि इंद्र को जो है जो गर्भ हो रहा है तो वो जो है एक प्रकार का जो है बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि जो देवताओं की पूजा है तो वास्तव में भगवान की पूजा है। और कोई देवता अगर समझता है मेरी पूजा हो रही है, तो उसी प्रकार से जैसे कि टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति जो है वो टैक्स जो इकट्ठा करता है अपनी जेब में डाल लेता है और राजा को नहीं देता, जबकि राजा के जो है वो ओर से टैक्स ले रहा है। तो इसी प्रकार से कोई देवता अगर पूजा लेता है अपने अपने लिए और भगवान को नहीं देता है तो वो जो है भगवान की दृष्टि में चोर है। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। अब वहाँ क्या है कि ब्रजवासियों को भगवान ये नहीं कह सकते मेरी पूजा करो, क्योंकि यहाँ तो पूर्ण रूप से भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं और ब्रजवासियों की दृष्टि में वे जो है बिल्कुल एक सामान्य बालक हैं, और इस प्रकार से प्रेम और स्नेह प्राप्त कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि पूजा प्राप्त करें। अगर पूजा प्राप्त करेंगे ब्रजवासियों से तो वो तो उनका स्नेह है, वात्सल्य भाव है, सखा भाव है, तो वो सब लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान अपना ऐश्वर्य नहीं प्रकट करना चाहते कि मेरी पूजा करो। अब उनको जो है गोवर्धन एक ऐसे भक्त मिले जो कि हरिदास वर्य सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, कि गोवर्धन की पूजा होगी और वो पूरी की पूरी पूजा जो है कृष्ण को दे देंगे। तो वो जो है पारदर्शी माध्यम, प्रभुपाद कहते हैं कि जो गुरु होते हैं साधु होते हैं वो पारदर्शी माध्यम है, आप उनकी पूजा करते हैं तो वो पूजा कुछ नहीं लेते हैं, वो सीधे भगवान को देते हैं। तो गिरिराज भी जो इसी प्रकार से हैं, तो गिरिराज की पूजा के नाम पर कृष्ण ने अपनी पूजा कराई और स्वयं जो है सब अन्नकूट जो है खाया और कहा कि मैं गिरिराज हूँ। तो इस तरह से भगवान जो है ब्रजवासियों की दृष्टि में उनके सखा, उनके पुत्र, उनके जो है मतलब उसी प्रकार से उनके संबंध को, अपने संबंध को उन्होंने किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुँचाई और जो है अपनी पूजा भी करा ली। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है ये चतुराई की कि ब्रजवासियों की दृष्टि में वो जो है पूज्य ना बने, वो अपनी पूजा नहीं करा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं लेकिन इस प्रकार इस माध्यम से पूजा करा रहे हैं। तो ये जो है भगवान का जो है ब्रजवासियों, द्वारकावासी लोग तो भगवान को ईश्वर भी मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, मथुरावासियों में भी जो है इस प्रकार का, देव के वसुदेव को भी भगवान ने कहा कि मेरी पुत्र भाव से भी याद करो और ब्रह्म भाव से भी प्राप्त करो, याद करो। तो देव के वसुदेव में ईश्वर भाव भी है, पुत्र भाव भी दोनों हैं, लेकिन जो ब्रजवासी हैं उनका जो है शुद्ध क्या है वो भाव है, शुद्ध भाव है कि कृष्ण को अपना पुत्र माने या अपना मित्र माने या अपना पति माने। तो इस प्रकार से भगवान जो है ब्रजवासियों के भाव में किसी प्रकार का जो है वो बाधा ना पैदा हो, इस प्रकार से गिरिराज की पूजा कराते हैं। हरे कृष्णा।